हेलो दोस्तों, आज हम इंडो वेस्टर्न ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें सूट की कटिंग करी है इंडो वेस्टर्न। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया, चार लेयर्स हो गई इसमें। तो मैं आपको अखबार पर बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसका लेंथ और चौड़ाई कम रखी है। आप कपड़े पर काटना तो अपनी लेंथ के अनुसार काटना। तो मैंने इसमें शोल्डर 5.5 रखा है और इसका आर्म होल 5.5 रखा है इसमें। और इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इसे हम राउंड शेप देंगे। और गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लेंथ इसकी 6 इंच रखी है। इस तरह से ऐसे भी राउंड शेप देते हुए गोल कर देंगे इस तरह से। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैं आपको अखबार बता रही हूँ, इसलिए मैंने कम रखा है, 6.5 लिया है मैंने इसमें चेस्ट चौथाई हिस्सा। और हिप मैंने इसमें 5.5 रखा है चौथाई हिस्सा। सॉरी, कमर चौथाई हिस्सा 5.5 रखा है और हिप मैंने इसमें 7 रखा है, चौथाई हिस्सा लिया है मैंने इसमें। अब इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से तो मेरे पास इसमें बच नहीं रहा है, तो मैं इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी सिलाई में। तो इस तरह से मैं काटूंगी इसे। तो यहाँ से हमारा चाक बन जाएगा। तो अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो मैंने इसमें 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करा है इसमें, इस तरह से। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमारे वेस्टर्न वेंडो वेस्टर्न की कटिंग हो गई। तो अब हम इस पे प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें इस तरह से फोल्ड किया है, ये मेरी 4 लेयर्स है। तो मैंने कमर पे इसमें 6.5 रखा है, तो 4.5 यहाँ से 4.5 हम दूसरी तरफ से भी लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हम इसे हम काट देंगे। तो ये इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो मैंने इसमें आसन का निशान 7 इंच पर लगाया और इसका हम इस तरह से बॉक्स बनाते हुए गोल करेंगे इस तरह से। इस तरह से और यहाँ से हम
ये जो हमारा थोड़ा सा कोना से निकला हुआ है इसे हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। इस तरह से तो हमारी वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न की ड्रेस की कटिंग हो जाएगी और ये सिलने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। आप बनाना फिर लेंथ के अनुसार। तो हमारी इंडो वेस्टर्न ड्रेस की कटिंग हो गई है इस तरह से।